दोस्तों आज है 25 अगस्त 2019 और 25 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते चलना, पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। दोस्तों आपको ये जो फोटो दिख रही है इसको बोलते हैं IISS यानी कि ISS, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसका पर्पज क्या होता है देखो, ये कहाँ पर स्थापित है। सबसे पहले फोटो को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिख रहा होगा, ये जो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, उसके नीचे आपको स्काई दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, यानी कि नीचे हमारी पृथ्वी है। यानी कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है ये पृथ्वी से ऊपर यानी कि पृथ्वी की कक्षा से ऊपर हवा में स्थापित किया हुआ एक स्पेस स्टेशन होता है। इसको बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हो जैसे कि होटल्स होते हैं, होटल का रूम समझ सकते हैं आप इसको। इसमें क्या होता है, जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं उनको बार बार पृथ्वी से आना जाना ये ना करना पड़े, इस वजह से एक परमानेंट वहाँ पर कह सकते हो एक परमानेंट फॉर्म में एक स्पेस स्टेशन वहाँ पर डेवलप कर दिया गया है, जिसमें कि साइंटिस्ट वहीं पर रुककर स्पेस में रिसर्च वर्क को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर अभी तक का कह सकते हो दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा बनाया गया सबसे महंगा ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो वो होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। साथ ही साथ मैं एक और आपको फैक्ट बताता हूँ कि अभी तक का सबसे महंगा अगर कोई वस्तु या आर्टिकल किसी ने बनाया है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे ज़्यादा हैवी और सबसे ज़्यादा महंगा अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इसके बारे में आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बना है। उससे पहले कुछ रोचक चीज़ें जानते हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है स्पेस स्टेशन, इसकी अगर लंबाई की बात करो तो लगभग 70 मीटर से 80 मीटर के आसपास में इसकी पूरी लंबाई होती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी चौड़ाई भी लगभग आप देख सकते हो 80 मीटर के आसपास में इसकी चौड़ाई भी होती है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 6 से 7 बेडरूम्स होते हैं, इसमें एक जिम भी होता है, सब कुछ इसमें फैसिलिटीज़ आपको पूरी मिलेगी जैसे कि एक घर में आपको मिलती है। तो पृथ्वी से क्या होता है, साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर स्टे करते हैं 6 महीने 7 महीने जितना भी इसका प्रोग्राम होता है, यहाँ पर स्टे करते हैं। समय समय पर इस स्पेस स्टेशन से वो लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर स्पेस में रिसर्च वर्क करते हैं और उसके बाद में वो अंदर जाकर उसी में रहते हैं और रिसर्च वर्क को अंजाम देते हैं। तो इसको लेकर देखो आज का सबसे पहला प्रश्न क्या बना है उसको समझते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न बना है कि कौन सी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS कार्यक्रम में भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसी नहीं है। तो मैंने बताया था चूंकि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है इस वजह से कोई एक देश इसको नहीं करता है, इसको बहुत सारे देश मिलकर करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। तो इस देशों में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसराइल देश जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। अमेरिका इसका हिस्सा है, रसिया इसका हिस्सा है, जापान भी इसका हिस्सा है, लेकिन इसराइल इसके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इसराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि पहला ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब लॉन्च किया गया था तो आंसर टिक कर दोगे 1998 में पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ में यहाँ पर जो इसमें पहले अंतरिक्ष यात्री गए थे वो गए थे 2 नवंबर 2000 को, ठीक है, लंबी अवधि के लिए वहाँ पर गए थे। साथ ही साथ में आपको उन सभी देशों के नाम बता देते हैं जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जैसे कि सबसे पहले तो नासा अमेरिका का, रसिया इसमें शामिल है, जाक्सा जापान इसमें शामिल है, यूरोप इसमें शामिल है और कनाडा इसमें शामिल है। तो इतने देश हैं जो कि इसमें शामिल हैं और ये किस तरीके से दिखता है वो भी मैंने आपको डिटेल में आपको समझा दिया है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं जो कि आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये पृथ्वी से ऊपर एक जगह स्थिर नहीं है, ये लगातार घूम रहा है और इसकी जो स्पीड है वो 24 घंटे में 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूम रहा है। आप सोच कर दीजिए, एक घंटे में 27,600 किलोमीटर की रफ्तार से ये घूम रहा है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हर 92 मिनट के अंदर में ये पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है और एक पूरे दिन की बात अगर करी जाए तो कुल मिलाकर लगभग 15.5 चक्कर एक दिन में पृथ्वी के पूरे ये लगा लेता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
दोस्तों आप सभी के मोटिवेशन के बगैर मैं इतने डिटेल में अच्छे से वीडियोस नहीं बना सकता हूँ। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, उसके लिए आपका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ में वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा इस पर व्यूज़ आएगा और मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि देखो आप लोग लाइक और शेयर कर रहे हो, मतलब आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं और मैं आपको इसी तरीके से इससे भी बेहतर कंटेंट बनाता रहूँगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बताया, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 23 अगस्त 2019 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ह्यूमेनॉइड रोबोट भेजा है। तो बात यहाँ पर हो रही है इसी वाली स्टेशन की। इस वाली स्टेशन पर इंसानों को तो भेजा जा चुका है लेकिन अभी एक ह्यूमेनॉइड रोबोट को भेजा गया है, वो किस देश ने भेजा है? तो ऐसा करने वाला देश है रसिया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रसिया ने ह्यूमेनॉइड रोबोट यहाँ पर भेजा है। अभी देखो रोबोट का नाम तो आपको पता होगा, ह्यूमेनॉइड रोबोट का मतलब क्या होता है कि इंसानों की तरह दिखने वाला एक रोबोट यहाँ पर भेजा जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर मैं फोटो में दिखाता हूँ, ये देखो ये आप रोबोट देख सकते हो जिसकी उंगलियाँ हैं, पैर है, पेट है, ये उसका सर है, ये इसका हैंड है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि किसी इंसान को वहाँ पर भेजा जा रहा हो। तो ऐसे रोबोट्स को ह्यूमेनॉइड रोबोट के नाम से जाना जाता है। अब इसको रसिया ने IESS पर क्यों भेजा है? इसको इस वजह से भेजा है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग भी दिया गया है। देखिए आप एक साइंटिस्ट है जो कि इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसको इस वजह से भेजा गया है। कभी कभी क्या होता है, ये जो स्पेस स्टेशन होता है इसमें खराबी आ जाती है, तब किसी एक साइंटिस्ट को इससे बाहर निकलकर यहाँ पर काम करना पड़ता है। और आपको भी पता है कि ये जो स्पेस स्टेशन है ये 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा होता है, तो साइंटिस्ट के कह सकते हो लाइफ में थोड़ा सा खतरा आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, इस रोबोट को ये लोग बाहर भेज देंगे और जो यहाँ पर जाकर उस कमी को पूरा करके आ जाएगा और इस तरीके से इसको काम में लिया जाएगा। इस वजह से इसको अभी ट्रेनिंग देकर रसिया ने IESS पर भेजा है। अगर इसका नाम पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए, इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है फेडोर। फेडोर इसका नाम रखा गया है। एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका फोटो भी देख चुके हैं। आप चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की तरफ। वहाँ पर जाने से पहले आपको एक खुशखबरी भी बता देता हूँ दोस्तों, अगले 5 दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए अभी अपने करंट अफेयर्स पर एक डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें कि आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को 50% डिस्काउंट पर परचेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अप्रैल और मई और जून का एक जो सिंगल PDF उसे परचेज करना चाहते हैं तो 200 की जगह आपको 100 रुपये पड़ेंगे, और जनवरी फरवरी मार्च वाला जो PDF है वो भी आपको 50% डिस्काउंट पर यानी कि 200 की जगह मात्र 100 रुपये में दिया जाएगा। तो जिसे भी ये परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पर जाकर वो इसे परचेज कर सकता है। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि किस देश ने आर्कटिक में दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर देखो पानी में तैरता हुआ ये जो परमाणु रिएक्टर है इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रसिया ने। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस ने यहाँ पर पानी में तैरता हुआ पहला परमाणु रिएक्टर लॉन्च कर दिया है, जिसका कि फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा पर्यावरण जो विद होते हैं उन लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता जताई है। उसने ऐसा माना कि अगर ये पानी में कहीं पर ब्लास्ट हो गया तो बहुत बड़ा रेडिएशन यहाँ पर फैलेगा। उसके बावजूद भी व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के इस समय के सबसे ताकतवर इंसान हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसको अभी पानी में उतार दिया है। तो इसको लगभग 5,000 किलोमीटर की यात्रा इसको तय करनी पड़ेगी अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर जो है इसको हाल ही में रसिया में ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में वाडा ने NDTL को कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया है। तो पहले इसका आंसर समझो, वाडा ने 6 महीने के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वाडा ने 6 महीने के लिए NDTL को निलंबित कर दिया है। अब ना तो आपको यहाँ पर वाडा समझ में आ रहा होगा, ना तो यहाँ पर आपको NDTL समझ में आ रहा होगा। दोनों चीज़ें आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर इसका वाडा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो वाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इसी तरीके से हुआ क्या था कि भारत में क्या होता है, जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, उनका एक डोप टेस्ट किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके कि कोई वो प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। ये जो डोपिंग टेस्ट होता है इसको भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NDTL, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी। ये अभी तक भारतीय खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट करती थी।
लेकिन वाडा क्या है? वाडा एक इंटरनेशनल लेवल पर डोपिंग एजेंसी है। उसने जब भारत में आकर चेक किया कि एनडीटीएल किस तरीके से लेबोरेटरी में चेकअप्स करता है, तो उसने पाया कि ये बहुत ज़्यादा गलत तरीके से टेस्टिंग करते हैं। इनका एक भी रूल स्टैंडर्ड वाला नहीं है, जिस वजह से वाडा ने, जो कि एक इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी है, उसने एनडीटीएल को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी तक भारत का जितना भी ये डोपिंग वाला मैटर है, इन सभी चीज़ों को अभी तक देखता था एनडीटीएल, यानी कि नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी। लेकिन अब इन सभी मैटर्स को नाडा देख रहा है। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि वाडा के फॉर्मेट पर काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप लोग फुल फॉर्म वाला फोटो एक बार फिर से देख लो, इसको एक बार मेमोराइज कर लो, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? एक चीज़, एक खासियत मैंने देखी है, थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। करंट अफेयर्स पढ़ने में मज़ा बहुत आता है। मतलब सारी जितने भी करंट में इश्यूज चल रहे होते हैं, वो अगर आपको पता है तो कभी भी आपका किसी के साथ में डिस्कशन हो जाए, आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। जबकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सभी चीज़ों को पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो खैर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देखो, इससे से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर वाडा की बात कर रहे थे, तो वाडा की जो स्थापना है वो 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड में करी गई थी। और अगर आपसे कोई इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका इस समय हेडक्वार्टर है। ठीक है, करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है। देखो, एग्जाम हो ना हो, फिर भी करंट अफेयर्स पढ़ने में मजा आता है। क्वेश्चन अपना बना है कि हाल ही में किसे टीम इंडिया का नया बैटिंग कोच बनाया गया है। तो टीम इंडिया का नया जो बैटिंग कोच बनाया गया है, वो बनाया गया है विक्रम राठौर को। भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज हैं जिनको इस समय का टीम इंडिया का बैटिंग कोच बनाया गया है, विक्रम राठौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विक्रम राठौर का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि भारत के पूर्व ओपनर भी रह चुके हैं। और भारत के जो पूरी टीम के जो कोच हैं, वो रवि शास्त्री ही हैं। बैटिंग कोच बनाए गए हैं विक्रम राठौर, और यहाँ पर गेंदबाजी के जो कोच बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं भरत अरुण। साथ ही साथ में फील्डिंग कोच बनाए गए हैं आर श्रीधर। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क चिकित्सा स्कीम के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो था, उसमें फ्री चेकअप की अगर बात करी जाए, तो उसमें नंबर 1 पर अगर कोई स्टेट आया है, तो वो आया है राजस्थान। सिर्फ इतना आपको याद रखना है इस वाले क्वेश्चन से, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन जो था, इसमें फ्री चेकअप के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर कौन सा सही, बी सही हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में 23 अगस्त 2019 को एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसका नाम था दयालुता पर पहला विश्व युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये जो प्रोग्राम है, दयालुता पर विश्व का पहला युवा सम्मेलन, इसको राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको कई बार बता चुका हूँ, पानी को लेकर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है, नई नई स्कीम चलवा रहे हैं। इसी तरीके का एक पानी को लेकर एक नया स्कीम है, जिसका नाम है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0। इसको हाल ही में किसने जारी किया है, तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चूंकि ये वाटर मैनेजमेंट से संबंधित है, इस वजह से जल वाला ऑप्शन आप लोग कोई भी टिक करके मत चले आना। याद रखना, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, जिसका मतलब है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि पानी की समस्याएं जो आजकल चल रही हैं, उनके समाधान के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो एक बार फिर से देख लेना, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 जो है, इसको नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, फ्लिपकार्ट कंपनी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। फ्लिपकार्ट पर आधारित एक पुस्तक का क्या नाम है, जिसको अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया जाएगा। देखो, फ्लिपकार्ट के बारे में सब कुछ अगर आपको जानना है कि कैसे बिन्नी बंसल ने और उनके जो दोस्त थे सचिन बंसल, यानी कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने एक छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना दिया, इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में कैसे बना दिया, इसके बारे में पूरी डिटेल इस बुक में बताया जाएगा। इस बुक का नाम है बिग बिलियन स्टार्टअप, और इसको अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया जाएगा। तो एक बार फिर से इसका फोटो देखेंगे। ये देखिए बुक है, जिसको मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी बिग बिलियन
स्टार्टअप, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट के बारे में है, जिसमें कि बताया जाएगा किस तरीके से इस कंपनी के जो फाउंडर हैं बिन्नी बंसल और दूसरा नाम बताया था सचिन बंसल, किस तरीके से उन लोगों ने अक्टूबर 2007 में स्थापित इस कंपनी को इतने कम समय में इंटरनेट की सबसे बड़ी भारतीय कंपनी के रूप में स्थान दिला दिया है। तो ये वाला प्रश्न आपको तैयार हो गया। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं बिन्नी बंसल और यहाँ पर उनके जो मित्र हैं जिनके साथ में सचिन बंसल जिनके साथ में उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है, रेडी टू मूव परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ में एक समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा रियलिटी और आवास के साथ में भारतीय सेना ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें करना क्या होगा, हो क्या रहा था, जितने भी भारतीय सेना से जुड़े हुए एम्प्लॉय होते हैं उनको भारतीय सेना घर बनाकर दे रही थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हेडक का काम हो रहा था। इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, मतलब घर बनाने वाले व्यवसाय में हैं, उनके साथ में एक हस्ताक्षर कर लिया है, जिसमें जिसके तहत उनको रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। जितने भी आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं अगर कोई घर परचेज करना चाहता है तो वो रेडी टू मूव परियोजनाओं में अपना घर परचेज कर सकता है। इसमें भारतीय सेना की तरफ से फ़ायदा क्या दिया जाएगा, फ़ायदा ये दिया जाएगा कि जिस भी प्रॉपर्टी को वो परचेज करते हैं उसमें 11% से लेकर 27% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये फ़ायदा उनको यहाँ पर मिल रहा है। और इस समय की बात करी जाए तो 13 ऐसी परियोजनाएं हैं जो बिल्कुल रेडी टू मूव है, अगर आप उसके अभी भी उसको कोई लेना चाहता है तो वो उसको तुरंत परचेज करके मूव कर सकता है एक डिस्काउंट अमाउंट के साथ में। तो एक बार फिर से देख लेंगे इसका राइट आंसर, रेडी टू मूव परियोजना के लिए भारतीय सेना ने टाटा रियलिटी और आवास के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। चलते हैं, चूंकि ये घर ये क्वेश्चन संबंधित है होम के ऊपर यानी कि घर से संबंधित, इस वजह से एक फ़ोटो भी देख लेंगे। कोशिश रहती है कि आपको सब कुछ याद करा दें इसी वीडियो में। तो चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग करंट अफेयर्स का क्विज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना दोस्तों ईमानदारी से। क्वेश्चन है कि एक पुस्तक है द डायरी ऑफ मनु गांधी, इस पुस्तक में मनु गांधी किसे कहा जाता है। रूफ टॉप सोलर अट्रैक्शन इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया है। फोर्ब्स के अनुसार 2019 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में चौथे स्थान पर कौन से अभिनेता का नाम आता है। अभी हाल ही में पिगेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, वी आर लाइक ए फैमिली, आप सभी फैमिली के मेंबर्स हैं और आप सभी लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। इस वजह से ध्यान से वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।